हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्ट ब्रोस। मेरा नाम है निखिल, ये है मेरा भाई शेख। हेलो। तो इसी बार हमने आरनेट के डिफॉल्ट सॉन्ग पे रिएक्ट किया था, और इस बार हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई दबदा किथे आ। और ये भी आरनेट का गाना है, और इसमें भी गुरलेज अख्तर थी उनके साथ। पिछली बार भी गुरलेज अख्तर थी, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि गुरलेज अख्तर की आवाज मुझे बहुत ही जबरदस्त लगती है यार। बिल्कुल, इतनी सॉलिड आवाज है ना उनकी, मैं मतलब फैन हो गया उनकी आवाज का यार। और वैसे भी यार पिछली बार जो गाना आया था वो ब्लॉकबस्टर गया था। सही। और इस बार का गाना पता नहीं कैसा दिखाएगा या कैसा क्या होगा इसमें, तो जल्दी जल्दी पहले गाना देख लेते हैं। बिल्कुल। आर्नेट, मिस्टर बॉस, रिस्पेक्ट द बीट, खुश दिली दा स्वैग मिलो रब दिया गा, यार सारे तो यार दिन डूंगे जुस्वा, एक कीते दिन रात नीत रखी बस साफ होगी मिस्टर बॉस, मिस्टर बॉस। ओए अखां दे विच तू अखां ता पा लै मेरे वल नू करके मुंह मित्रा, ओथे केड़ा दुनिया नी वसदी ओ जिथे है नहीं तू मित्रा, ओथे केड़ा दुनिया नी वसदी ओ जिथे है नहीं तू मित्रा। वे किन्ने सोहणे सी लिखदा गाने जे हल्ला ता पेश पिया, मैनू ता गल निकी नी लगदी वे जिथे तेरा कलेश पिया, हाय मैनू ता गल निकी नी लगदी वे जिथे तेरा कलेश पिया। चल ला दे तीर टकाने ते, ला दे तीर टकाने वे जेड़े समय तो मिथिया। डायमंड लाइसेंस नहीं होते भाई। और कलम जो है सबसे खतरनाक हथियार होता है। हाँ वो तो है भाई।
और भाई अगर गुरलेज अख्तर की बात की जाए तो इसमें उन्होंने वैसा ही रोब दिखाया वो गाने के अंदर, वैसा उन्होंने अपने डिफॉल्टर में दिखाया था। भाई नो ऑफेंस बट यार आरनेत की आवाज से ज्यादा मुझे गुरलेज अख्तर की आवाज बहुत ज्यादा पसंद। वैसे अगर सिंगिंग में देखा जाए ना तो इन दोनों की जोड़ी काफी सीरियस थी सिंगिंग में, अच्छी लग रही है जोड़ी। बट यार गुरलेज अख्तर की बात ही अलग है यार, वो जो मतलब बीट पकड़ती है ना और वो उनके फ्लो जो होता है ना बहुत ही जबरदस्त लगता है यार। मैं कैसे समझाऊं यार, मेरे को मतलब फीलिंग नहीं आ रही। मैंने एक चीज नोटिस की यार, इसमें जो मॉडल है उसमें भी काफी सही इमेजिंग की है ना, मॉडल्स वगैरह तो नहीं, फिर भी यार बल्कि ऐसे लग नहीं रहा था गुरलेज अख्तर गा रही है, लग रहा मॉडल गा रही है। और गाइज किसी भी सॉन्ग में गुरलेज अख्तर ने अपीयरेंस नहीं दी है, किसी भी सॉन्ग में गुरलेज अख्तर नहीं है। मुझे तो उनका ही शक्ल मतलब एक बार मैं देखी नहीं यार कभी। हम एक्चुअली ना जो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, उनमें से एक बंदे ने मेरे को उनकी फोटो भेजी थी और वो तब मैंने देखा कि हाँ भाई ऐसी है गुरलेज अख्तर। ऐसे तो मैं सोच रहा था जैसे वो हरफ चीमा का गाना सुना था, हरफ चीमा का जटवाद जटवाद, तो हमको लग रहा था कि वो गुरलेज अख्तर, वो गुरलेज अख्तर है ना। और भाई जहां तक बात की जाए आरनेत की, तो भाई आरनेत ने कुछ ही गाने बनाए हैं बट बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग बनाए हैं। और ये लिखवाता खुद से लिखवाता है क्या, पता नहीं खुद लिखता है या फिर कोई देता है इसको लिख के, लेकिन जो भी है भाई बंदा हिट्स पे हिट्स निकाल रहा है। सही बात है भाई। रही बात इस गाने की स्टोरी की, तो स्टोरी के बारे में हमको इतना समझ नहीं आया कि अगर बंदे ने वो डायमंड्स उसको दे दिए थे तो वो नकली डायमंड्स दिए थे, लेकिन वो बंदा उसको चेक भी कर रहा था और उसमें जो उसका अपना बंदा था वो चेक करके बोल भी रहा था बिल्कुल सही है, बड़ा खुश हो रहे थे वो, और ऊपर जाके उसने कुछ और डायमंड्स निकाल लिए तो कुछ समझ नहीं आया वो। हाँ पूरी तरह समझ नहीं आया हमें यार। आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या हुआ आखिर ऐसा कि मतलब उसे कहीं और से भी डायमंड मिल गए वो वाले। सही बात है, क्योंकि हमको भी चाहिए यार। तो वैसे ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पर अगर न्यू हो तो, और इसी तरह वीडियो के सजेशन देते रहो कमेंट बॉक्स में, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।